हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित स्ट्राइक्स। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों आखिर क्यों आप लोग का बनाया हुआ टेस्ला कॉइल नहीं काम करता है और किसी यूट्यूबर का बनाया हुआ टेस्ला कॉइल काम कर जाता है। तो कई बार आप लोगों ने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख करके उसके सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए अपने खुद का एक टेस्ला कॉइल बनाया होगा, लेकिन जैसे ही आप कोई CFL को ऑन करने चलते हैं इस टेस्ला कॉइल की मदद से, तो वो आपका CFL ऑन नहीं होता है। तो क्यों आखिर क्यों आपका CFL ऑन नहीं होता है और किसी यूट्यूबर का CFL ऑन हो जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्यों आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट फेल होने लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस तरह के एक CFL का यूज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरा टेस्ला कॉइल काम कैसे कर रहा है। लाइट ऑफ करो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस टेस्ला कॉइल के करीब मैं इसे ले जाता हूँ तो ये काम करना स्टार्ट कर देता है। लाइट ऑन करो, ठीक है ना, ये काम किया। अब ये वाला काम नहीं करता है। लाइट ऑफ करो, देखो ये वाला काम नहीं कर रहा है, उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है कि इतनी रोशनी हो सके। वहीं अगर मैं इस वाले को ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो ये अच्छा खासा ग्लो कर जाता है। ऑन करो। और यहीं ये वाला देख लीजिए, ऑफ करो, तो ये वाला बिल्कुल भी ऑन नहीं होता है। अब जो ज़्यादा तेज ऑन हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो ज़्यादा तेज़ी से ऑन किस तरह से हो सकता है। लाइट ऑफ करो, ऑन करो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल 3 अलग अलग तरीके के CFLs का यूज़ किया है। एक तो ये वाला जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रहा था, उसकी वजह ये है कि इसमें सर्किट बोर्ड जो अंदर होती है वो मैंने निकाल के फेंक दिया, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई ग्लो कर रहा है। इस वाले में बहुत ही हल्की सी रोशनी थी, उसकी वजह ये थी कि इसमें अभी भी सर्किट बोर्ड जो है वो कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से जो भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है अंदर गैस जलने की वजह से, वो कंज्यूम हो जा रही है इसमें लगे हुए सर्किट बोर्ड की वजह से, इसलिए ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। इसके बाद लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो बिल्कुल भी काम नहीं किया, इसकी वजह ये है कि ये हल्का सा यहाँ पर क्रैक है, अगर आप देखें तो ये क्रैक है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें भरी हुई आर्गन गैस अब बाहर निकल चुकी है और वही जलती है तभी ये ग्लो करता है। तो अब से नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी अपना ये टेस्ला कॉइल बनाया करेंगे तो ध्यान रहे कि आपको अपने CFL से उस सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल लेना है जो यहाँ से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को वो कंज्यूम कर लेता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, और हमारा प्रोजेक्ट लगता है कि वो फेल हो गया या फिर उस यूट्यूबर ने जिसने हमें बताया था वो फेक बता रहा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप केवल अपने CFL पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम कि उसकी ट्यूब फूटी ना हो और उसमें लगा हुआ सर्किट बोर्ड निकला हुआ हो, तब जा करके आपका ये CFL काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसे लगी जल्दी से यार नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग गई तो यार लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वाली वीडियो अपलोड किया करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।